खबर रतलाम से है। गोदाम से खाद की लूट का मामला, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर FIR दर्ज हुई। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर यह एक्शन हुआ। तो सोसाइटी प्रबंधक सस्पेंड मार्कफेड के अफसर को नोटिस जारी किया गया। आलोट SDM मनीषा वास्कले को हटाकर कलेक्ट्रेट अटैच कर दिया गया। SDM के मौके पर रहते हुए यह पूरी घटना हुई थी। तो विधायक के कहने पर किसानों ने यहां पर खाद की लूट की थी, यह आरोप लगे। तो विधायक के खिलाफ भी मामला दर्ज और यहां पर अधिकारी पर भी गाज गिरी है। तो गोदाम से खाद की लूट का यह पूरा मामला, तो इस पूरे मामले में एक्शन यहां पर हो रहा है। यह देखिए, तो रतलाम की यह तस्वीरें सामने आई और उसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन हो रहा है। ने विभिन्न स्थानों पर जो मैनुअल जो वितरण होता है, मैनुअल वितरण करने की भी व्यवस्था की ताकि किसानों को किसी प्रकार की खाद की स्थिति का सामना न करना पड़े। सर्वर की समस्या के कारण से कल और आज कुछ समस्याएं हुई थी, जिसका हमने मौके पर तत्काल दोनों दिन, कल भी हम लोगों ने लगभग 2500 कृषकों को खाद बांटा है सर्वर डाउन होने के पश्चात भी, और आज भी हम लोगों ने लगभग 1500-1600 कृषकों को पूरे ज़िले में खाद का वितरण किया है। तो खाद के वितरण की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, खाद्यान्न का खाद का पर्याप्त भंडारण है। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार, किसानों को ना DP टाइम पे मिल रही है ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में लगा चुका है, आज उनने बीज डाल दिया है और उसको जरूरत है DP की, ताकि DP उपलब्ध हो तो पानी उपलब्ध हो और पानी के बाद में खाद की हो सकता है। लेकिन देखिए, दो दो दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला, हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी दो दो बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है।